कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विनेश फोगाट के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से बात करनी चाहिए। यह पदक सिर्फ विनेश का नहीं बल्कि देश का है। अगर आप विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था तो ही तो 6 अगस्त को वो 3 बाउट लड़ी, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल, और तीनों बाउट जीती तो ऑटोमेटिक उनको सिल्वर मेडल मिल गया। नेक्स्ट दिन जब दोबारा वजन किया तो तथा कथित तरीके से उनका 100 ग्राम वजन कम था। तो क्या वो वजन जो अगले दिन अगर ज़्यादा था, 100 ग्राम ज़्यादा था, माफ़ कीजिए, अगर अगले दिन वजन ज़्यादा हो तो पिछले दिन पे वो कैसे लागू होगा? ये कौन सा रूल है? इसलिए देश की सरकार को खड़े होकर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खड़े होकर, हमारी रेसलिंग एसोसिएशन को खड़े होकर, सबको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। ये विनेश फोगाट का मामला नहीं, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ये बात समझ पाएगी, ये रूल सरासर अगर है तो गलत है। ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा भेजने की बात कही है। हुड्डा के बयान को विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने राजनीतिक स्टंट करार दिया है। 12 में जो पहली महिला रेसलर थी जो गीता जो ने ओलंपिक क्वालिफाई किया रेसलिंग में, जब हुड्डा की सरकार थी, जब उस टाइम जो डीएसपी लगनी थी, जो खेल नीति बनाई थी उसने, तो उस टाइम गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो है गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया, जबकि वह कोर्ट के थ्रू मैंने केस डाला और केस से जो है वो डीएसपी का पद के ऊपर जो कोर्ट ने जो है उसको प्रसंज्ञान दिया। आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए तो वो कुछ दूर नहीं, जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी जो पहली महिला थी जो उसने कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा, इसकी तो पूरी जो सरकार थी। क्या आपको लगता है कि राजनीति स्टैंड है? बिल्कुल राजनीति स्टैंड है। और यूपीटी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की है। उद्धव ने कहा, मुश्किल वक्त में हम आपके साथ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान वो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके माता पिता से मिले। मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। केजरीवाल इन दिनों जेल में है। निश्चित रूप से विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई सरकार का एक ऐसा हथियार है जिससे वो हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम सब मिलकर इस सरकार से लड़ेंगे, मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए ये जो मुश्किलें आ रही हैं इसमें एक दूसरे के साथ सब लोग खड़े हैं, ये विश्वास उद्धव जी ने भाभी सुनीता केजरीवाल जी को और उनके परिवार को दिलाया। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि हम तानाशाही के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल और परिवार को आश्वस्त किया कि हर कोई इस मुश्किल वक्त में उनके साथ है।